की पहली वेव से लगातार शादी समारोह में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी केटरिंग से जुड़े लोग आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। फिलहाल कोरोना हॉटस्पॉट रहा इंदौर में। पिछले लंबे समय से प्रदेश के केटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने मंत्री तुलसीराम सिलावट से शुक्रवार को रेसिडेंसी कोठी पर मुलाकात की। इस दौरान इंदौर कैटरिंग एसोसिएशन पदाधिकारी अजय जैन ने बताया कि 15 जून और 15 जुलाई से शादी के मुहूर्त निकले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस वर्ल्ड के तहत प्रोटोकॉल के तहत बड़े आयोजनों पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते कैटरिंग का काम भी बंद किया गया है। उनकी मांग है कि कैटरिंग से जुड़े प्रदेश में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिससे उनका घर चलता है, लेकिन पिछले लंबे समय से लगे लॉकडाउन के चलते कैटरिंग से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आज मंत्री तुलसीराम सिलावट से मिलकर कैटरिंग को कुछ राहत देने की मांग करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। सर, क्या कुछ मांगों के लेकर मंत्री जी से मिलना आया था आप लोग? इंदौर कैटरिंग एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी आज माननीय मंत्री महोदय से आने वाले शादी ब्याह का मुहूर्त जो 15 जून और 15 जुलाई के बीच में 6-7 जो मुहूर्त चालू हो रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत इस इंडस्ट्री जो 1.5 साल से बंद पड़ी है उसको थोड़ी बहुत आशीर्वाद मिल जाए, उसके लिए एक छोटी सी डिमांड लेके आए थे कि कम से कम एटलीस्ट 100-200 लोगों का हमको परमिशन मिल जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री सुचारू रूप से थोड़ी चालू हो जाए और थोड़ी बहुत आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि आने वाले फिर चौमासा लग जाएगा कि हमारे वर्किंग वापसी नवंबर से चालू हो जाती है। तो इसके लिए अभी जो 1.5 साल से हमारी लेबर जो सब बैठी हुई है, इतनी लाखों लेबर जो बहुत ही निचले तबके की आती है, वो सभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत उनको भी काम मिल जाए, उनका भी घर सुचारू रूप से चलने लग जाए, बस यही मंत्री महोदय से हमने क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने? मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कुछ ना कुछ इसके लिए उनकी मीटिंग चल रही है, वो भी बेस्ट होगा, वो बिल्कुल करने के लिए तैयार है, और हम भी आश्वासन दें कि मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया तो हमारा काम सुचारू। आपका पूरा परिचय? मैं अजय जैन, JMB कैडर इंदौर, और आप संतोष जी बढ़ती है तो क्या उनसे संबंधित समाज थे, मैंने उनसे अनुरोध किया, आपदा है, संकट है, महामारी है, कोविड है, कि एक जो ये नीतिगत निर्णय को इंदौर का नहीं है, ये नीतिगत निर्णय मध्य प्रदेश का है, और हम भी सकारात्मक सोच रहे हैं, इंदौर अब नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, सुखद स्थिति में है, और ये सब जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन और सबसे ज़्यादा इंदौर की जनता के कारण ये स्थिति सकारात्मक बनी। मैंने उनसे बात की है, चर्चा की है, हमें इस संबंध में ऊपर बात कर जो नीतिगत निर्णय होगा हम सोचते सकारात्मक निर्णय को देंगे।